जब मुझे साइन किए तो मैंने बोला कि क्या स्टोरी रहेगी, मैं भी सोचा कि वहीं एक्शन वाली फिल्म होगी, तो उन्होंने खुद कहा कि नहीं एक्शन वाली भी बनाएंगे लेकिन सबसे पहले आपको लेके एक रोमांटिक स्टोरी बनाते हैं, फुल रोमांटिक मूवी। तो मैं भी बहुत खुश हुआ कि चलिए मेरे इसको देख के इन्होंने एक अच्छी स्टोरी लाई, और उनके साथ अभी ये शुरुआत हो चुकी है, आगे चल के एक्शन वाली मूवी बनेगी। उनकी सुजीत कुमार जी की बात की जाए तो उनकी म्यूजिक में बड़ी पकड़ है, उनकी हर फिल्मों में कोई ना कोई गाना हिट होता है, इसका आप गाना सुने होंगे तो बता सकते हैं कौन सा गाना हिट होने वाला है? यहूँ मैं पक्का हो आप लोग दर्शक लोग के साथ रहता, हमने के हर फिल्म में चाहने जाए, हर फिल्म में कोशिश रहा कि अच्छा अच्छा गाना आप सबके बीच लाई जाए, और दर्शक और दर्शक के का कब पसंद आ जाए क्यों नहीं खे जाना, तो अपना तरफ से हर फिल्म में आदमी बेस्ट देवेला, क्योंकि बोला लकी डायरेक्टर जेकर म्यूजिकल फिल्म होला और हर गाना सुपर हिट हो जाला, तो भगवान से बस ये कामना करो कि सुजीत सर के साथ हमारा भी एगो गाना होके जो ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट जो गाना हो रहा था क्या कहना चाहेंगे? आप भी कंफ्यूज हैं, लॉकडाउन में सब लोग भूल गए अपना जॉब कि हम क्या करते थे, जैसे कि राम जी आपका जीता जागता प्रमाण है, 9 महीने बाद दिखे हमको, तो आज जो गाना हो रहा था एकदम जैसे दर्शक लोग पसंद कर ला लो, सुजीत सर के ये स्टाइल है कि जो दर्शक पसंद कर ला वह बनावे नहीं, तो जो उन दर्शक लोग पसंद कर ला लोग उससे ने फ्लेवर के गाना बा और मजा आई, गर्दा गर्दा हुई। परसों यादव जी जो कोरियोग्राफर है क्या कहते हैं लगा रहा है? बहुत अच्छे हैं प्रसून सर, ताकि वो मेरे बड़े भाई हैं, हम लोग एल्बम के दौर से ही उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को एल्बम में भी डांस कराया और फिल्म में भी आप देख ही रहे होंगे कि एक से बढ़ के एक अच्छे अच्छे स्टेप, और दूसरी बात ये है कि यूथ हैं एकदम आज के ज़माने वाले स्टेप और अपना फोक मिक्स करके डांस करवाते हैं, तो अच्छा अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके, मज़ा आ रहा है। तो पहले पर्दे पे आप कैमरे की नज़र से देखे जाते हैं, जो कैमरा कर रहे हैं डायरेक्टर भी हैं डीओपी भी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में तो हमारे पास शब्द ही नहीं है, उनके डायरेक्शन में मैंने काम किया है, तो सर के साथ जब भी काम करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सिखाते भी हैं, अगर वो थोड़ा बहुत डांटते भी हैं तो उसमें भी प्यार झलकता है उनका, और डांटना लाजमी भी है कि जब बच्चा बिगड़े तो बाप को डांटना चाहिए, तो हमारे फिरोज सर के बारे में बस यही कहेंगे कि जब भी मिलते हैं मुझे खास करके बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सिखाते हैं और अच्छा लगता है, सेट का माहौल बहुत अच्छा बना के रखते हैं। दिवाली आ रहा है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? आप सभी दर्शकों को दीपों का त्यौहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, जब प्यार के उससे हो जाला कि पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, सेम टू यू। ईश्वर करे कि आप सबके यहाँ धन संपत्ति और खुशियों का आवास हो, और जितनी भी दुख है, बहुत दुख है हमारे, अभी आ गए हैं काफ़ी सारे, तो दुनिया से भी हर किसी के घर से भी हर दुख चले जाए, सब बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, व्यस्त भी रहें बट हाँ कभी कभी अपनी लाइफ के लिए ले लेना चाहिए। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली।